हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, फाइनली एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का जितने भी बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उन सभी बच्चों का एग्जाम खत्म हो गया था और रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि पीईटी पीएसटी के लिए, जो कि फिजिकल का के लिए, और आप लोगों का कि लिस्ट कब आएगी, कट ऑफ कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, मेरे मार्क्स कितने हैं, कैसे पता लगेंगे, वो सब डाटा फाइनली एसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि आप लोगों का कैसे कैसे क्या कुछ होने वाला है, कितना कट ऑफ गया है आप लोगों का स्टेट वाइज, और मैं आप लोग बता दें कि लिस्ट में आप लोग का नाम है कि नहीं है, लिस्ट कहाँ से मिली, कैसे क्या कुछ मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो में दूंगा। आप लोगों का मार्क्स कितना है, कितना मार्क्स नॉर्मलाइज होकर हुआ है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इस चैनल पर हर एक भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा कर रखता हूं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, मैं सारा संपूर्ण जानकारी आप लोग अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करा कर रखता हूं। तो आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं खुद थोड़ी बिजी होने के कारण से थोड़ा वीडियो लेट से मैं अपलोड कर रहा हूं, लेकिन सब जैसे ही रिजल्ट आया था ना, ठीक कुछ ही सेकंड के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर मैं तुरंत नोटिफिकेशन अपलोड कर देता हूँ, चाहे कोई भी भर्ती का रिलेटेड हो। मैं वीडियो बनाने में थोड़ी एडिटिंग टाइम में लेट लगता है, कोई टाइम नहीं मिल पाता है, तो ठीक है, तो हम वीडियो बना देते हैं, बनाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन को हम तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं आप लोगों का। तो आप लोग उस नोटिफिकेशन पाने के लिए ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी रिगार्डिंग, आप लोग का ये जो फिजिकल रिगार्डिंग होने वाला है आप लोग का, ये संपूर्ण डाटा जारी किया गया। देखिए सिलेक्शन कमीशन ऑफ कंडक्टेड कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 फ्रॉम इतना से इतना के बीच में आप लोग का जो एग्जाम चला था, और एक इस दिन एग्जाम हुआ था, टेक्निकल इशू के कारण से डिले हो गया था एग्जाम आपका। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड मोड और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आप लोग का फॉलोइंग प्रोसेस है, आप लोग का ये फोर्स की था, ये पोस्ट कोड था, और ये इतने फोर्स थे आप लोगों का, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटी, बीपी, असम राइफल, एसएसएफ, ये इतने फोर्स की आप लोग वैकेंसीज आई थी आप लोगों का। ठीक है, फाइनली इसमें जो डाटा जारी किया, और इसमें एक चीज़ और मैं आप लोग बता दूं, आप लोगों का ना इसमें इस पर क्या किया गया है कि इसमें एनसीसी के जो सर्टिफिकेट, एबीसी सर्टिफिकेट तीनों होती है ना, उनका आप लोग का मार्क्स दे दिया गया, बोनस मार्क्स जो होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूंगा कि इसमें 2%, 3% और 5% आप लोग का मार्क्स ऐड हो चुका है फाइनली, क्योंकि पहले क्या था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का मार्क्स ऐड होता था, लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि अभी ही ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आप लोग बता दूँगा कि इसमें फीमेल और मेल दोनों की कट ऑफ दी है, दे रखी है। ठीक है, फीमेल की कट ऑफ अलग है और मेल की कट ऑफ अलग है। ठीक है, ये फीमेल लिस्ट है एसएसएफ पोस्ट के लिए, केवल एसएसएफ के लिए फीमेल की कट ऑफ है, जिसमें से आप लोग की मैं बात करूँ यूआर की कट ऑफ कितनी गई है, तो यूआर की 146.53 कट ऑफ गई है, ओबीसी की कट ऑफ गई है 144, उसी तरह गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 62 गई है, और एससी की कट ऑफ 138 गई है, और एसटी की कट ऑफ 130 गई है। ये आप लोगों की एसएसएफ की फीमेल की कट ऑफ है, ऐसे ही एक मेल की लिस्ट आएगी, तो इसके नीचे मेल की लिस्ट होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये एसएसएफ की कट ऑफ है। ठीक है, ये मेल की लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, और मेल की एसएसएफ में कट ऑफ कितनी गई है आप लोग उसके सामने देख सकते हैं, ये वाली कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है, और उसके बाद एसएसएफ को छोड़ के बाकी जितने भी पोस्ट बचते हैं ना, उन सभी पोस्ट का स्टेट वाइज लिस्ट दिया जाएगा, क्योंकि एसएसएफ का पोस्ट का जो कट ऑफ है ना, उससे आप लोग का मतलब कि बोलते हैं उसको सेंट्रल लेवल पर कट ऑफ बनता है, लेकिन आप लोग का जो अदर डिपार्टमेंट होगा जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सबको इसको इसका स्टेट वाइज कट ऑफ बनता है। ठीक है, तो इसका स्टेट वाइज कट ऑफ में ये फीमेल की कट ऑफ लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें आप लोग कैसे जानिएगा कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से, तो आप लोग रिजल्ट जब डाउनलोड कीजिएगा ना, रिजल्ट का भी मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा कि रिजल्ट आप लोग कैसे चेक करना है, कितने मार्क्स मिले, कितने मार्क्स नहीं मिले, सारा कुछ वीडियो अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। तो आप लोग मैं बता दूँ, जैसे ये आंध्र प्रदेश हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, 80 कैंडिडेट मिले, 77 कट ऑफ गया है, जैसे आंध्र प्रदेश का। अब ये किस एरिया का, ये जनरल एरिया का, देखिए आप लोग का तीन जोन होता है, आप लोग का स्टेट में या तो जनरल एरिया होगा आप लोग का जो डिस्ट्रिक्ट में, अगर जनरल एरिया नहीं है तो आप लोग का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होगा, अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आप लोग का नक्सल डिस्ट्रिक्ट होगा, इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। अगर कुछ भी नहीं जनरल, कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग अगर ना बॉर्डर में आते हैं ना नक्सल में आते हैं, तो फिर आप लोग जनरल एरिया में आएंगे। ठीक है, और आप लोग का ये रिजल्ट में मेंशन होगा ये चीज, तो आप लोग उस चीज को देख सकते हैं वहां से आप लोग चाहें तो। ठीक है, तो मैं आप लोग बता दिया, अगर आप लोग जनरल, देखिए अब इसमें जी का मतलब जनरल एरिया हो गया। ठीक है, और जहां चाहे जनरल एरिया में उसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। उसके बाद मैं आप लोग बता दूं, इसमें एक नक्सल का कट ऑफ है, देखिए जैसे ये आंध्र प्रदेश में एन का मतलब नक्सल एरिया का हो गया। ठीक है, अब नक्सल एरिया में आप लोग का ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, देखिए एस सी, एस टी, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यू
हुए स्टफ का, ठीक है। वैसे ही आप लोग का अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, देखिए अरुणाचल प्रदेश तीनों डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर और जनरल, देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये जी का मतलब जनरल और ये बी का मतलब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आपको भी पता है चाइना से, चाइना म्यांमार सबसे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही आसाम की ये लिस्ट हो गई, और ये लिस्ट का पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। ऐसे ही दिल्ली के कटऑफ देखिए, दिल्ली में ना तो कोई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ना कोई नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर एक दिल्ली एक डिस्ट्रिक्ट, एक आप लोग का जनरल डिस्ट्रिक्ट है, जिसके कारण देखिए जी इसके सामने है, क्योंकि दिल्ली में ना तो जनरल है ना बॉर्डर, दिल्ली में ना तो आप लोग का कोई बॉर्डर है आस पास में, क्योंकि कोई दूसरा कंट्री नहीं है, और ना ही आप लोग का नक्सल इफेक्टेड एरिया है, इसलिए दिल्ली आप लोग का जनरल एरिया में आ गया। और जनरल एरिया में दिल्ली की कटऑफ जो गई है यूआर की 128 कैंडिडेट थे, 130 कटऑफ गई है। वैसे ही अगर मैं बात करूं यूआर के अलावा ओबीसी एससी एसटी की, तो ओबीसी की दिल्ली में कटऑफ आप लोग का 128 गई है, ईडब्ल्यूएस की 117 गई है, एससी की 130 गई है, और एसटी की 121 गई है। ऐसे ही करके अगर मैं आप लोग को उत्तर प्रदेश की बात करूं, सारा स्टेट का लिस्ट दे रखा है आप लोग का, चाहे तो वीडियो को पोस्ट करके देख भी सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया हूँ, वहाँ से लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल की कटऑफ क्या है, वेस्ट बंगाल में आप लोग का देखिए कौन कौन सा है, एक वेस्ट बंगाल में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी आता है, वेस्ट बंगाल में जनरल डिस्ट्रिक्ट भी आता है, और इस वेस्ट बंगाल में नक्सल इफेक्टेड भी डिस्ट्रिक्ट आता है। अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का ये कट ऑफ हो गया, ठीक है, मैं आप लोग एक बार सर्कल करके दिखा दे रहा हूँ रेक्टेंगल शेप में, देखिए ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का वेस्ट बंगाल का कट ऑफ हो गया आप लोग का, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये आप लोग का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ है इतना। अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा क्या क्या गया है आप लोगों को बता देते, देखिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का इतना कट ऑफ हो गया, और उसके अलावा यहाँ से आप लोग का ये एक जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ है जो आप लोग का दिख रहा है, यहाँ से एक ऊपर छूट गया, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ है जो, ठीक है, और ये आप लोग का नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ है, ठीक है, यहाँ से आप लोग का वेस्ट बंगाल में तीनों आता है, जनरल भी डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी, और नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का जैसे देख सकते हैं, आप लोग का बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एसटी का कटअप कितना गया, 85 गया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल का कटअप एसटी का है 85 गया है, ठीक है, ये फीमेल की कट ऑफ है, मेल की नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, अब मेल वाली कट ऑफ आप लोग का देखिए यहाँ से आप लोग के साथ मेल की कट ऑफ स्टार्ट हो, देखिए यहाँ से, हाँ तो डिटेल ऑफ मेल कैंडिडेट देखिए, वो फीमेल की कट ऑफ थी, मेल कैंडिडेट यहाँ से आप लोग का है, ठीक है, पीटी पीएसटी का कट ऑफ। अब मेल कैंडिडेट आप लोग सीधे आइएगा, अपना देखना होगा, तो सबसे नीचे जाइएगा, जिस भी स्टेट का देखना होगा आप लोग का स्टेट का नाम दिया होगा मेंशन, ठीक है, ऐसे नीचे आप लोग जाएंगे तो आप लोग का मिल जाएगा कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। और यहाँ से आप देखो सभी स्टेट का देखते हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश में आप लोग का क्या है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ से जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ आ जाता है, उत्तर प्रदेश में आप लोग का सर्कल करके दिखा दे रहा हूँ एक बार, देखिए यहाँ से आप लोग का जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ आ जाता है, ठीक है, और यहाँ जनरल डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, और उत्तर प्रदेश में ये कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आप लोग का नक्सल डिफेक्टेड एरिया कोई नहीं है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और जनरल डिस्ट्रिक्ट दो ही है, ठीक है, क्योंकि नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश का कुछ राज्य, तो जिसमें से जनरल काफी तरह बच्चे उत्तर प्रदेश के जनरल एरिया के ही है, तो ठीक है। तो जनरल एरिया में अगर यूआर की मैं बात करूँ ना, तो 139.94 यानी कि लगभग 140 कट ऑफ गया है, ठीक है। वही मैं बात करूँ अगर एसटी की, 127 कट ऑफ गया है एसटी का, एससी का 133 कट ऑफ गया है, ओबीसी का 139.46 कट ऑफ गया है, और ईडब्ल्यूएस का मैं बात करूं तो आप लोगों का 136 कट ऑफ गया है, और एक सर्विसमैन का आप लोगों का 32 कट ऑफ गया है। ऐसे ही आप लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को मैं संपूर्ण जानकारी दी है, कैसे कैसे आप लोग कट ऑफ समझना है, अगर कोई डाउट रहे ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आप लोग का रिप्लाई करूंगा। और मैं आप लोग एक चीज बता दूं, आप लोग कुछ भी अगर परेशानी हो रिजल्ट को चेक करने में, कैसे क्या कुछ करना है, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आप लोग को उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और आप लोग का कैसे मार्क्स चेक करना है, कितने नंबर आप लोग आए थे, रॉ स्कोर, कितना नॉर्मलाइज होगा, कितना मार्क्स बढ़ा है कि घटा है, क्या हुआ है, तो आप लोगों का मैं बता दे रहा हूँ उस संपूर्ण जानकारी आप लोगों का एक वीडियो अब प्रॉपर बना रहा हूँ, कैसे आप लोगों को रिजल्ट का मार्क्स चेक करना है। अब बात आ जाती है वो लिस्ट की, तो लिस्ट में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखिए ये रही रिजल्ट की लिस्ट, इनमें से सभी बच्चों का नाम है, लगभग बहुत सारे पेजेज हैं इसमें, ठीक है, और सभी बच्चों का इसमें देखिए यहाँ पे तीन चीज़ दे रखा है, रोल नंबर से आप लोग सर्च मार सकते हैं, नेम से सर्च मार सकते हैं, दो ही चीज़, या तो आपका रोल नंबर होना चाहिए तो नेम होना चाहिए। अब आप लोग को ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें लगे अपना नाम ढूंढने, नाम मत ढूंढिए, डायरेक्ट सर्च बार में जाइएगा, यहाँ पे सर्च बार में जाकर सर्च मारिएगा अपना नाम लिखकर, जो भी आप लोग का नाम होगा, ठीक है, और आप लोग का रिजल्ट शो, कुछ देर वेट कीजिएगा, आप लोग अगर नाम होगा तो नाम आएगा, अगर नाम नहीं होगा तो फिर आप लोग लिख दिया जाएगा नॉट मैट फाउंड, ठीक है, इस चीज़ का इंतजार
कीजिएगा आप लोग, तो आप लोग अपना रिजल्ट और इसका रिजल्ट का भी पीडीएफ फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो आप ज्वाइन जहाँ का ज्वाइन करके और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।